डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं जी क्लास नाइन्थ मैथ्स का एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर सेवन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी लास्ट हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑलमोस्ट वैसा वैसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ था यहाँ पर कोई भी डेटा गिवन नहीं है हमारे पास सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में जस्ट दो ऑब्जेक्ट्स लिए गए एक मून एक अर्थ एक मून एक अर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो मून है वन फोर्थ है अर्थ का यानी कि मून स्मॉल है अर्थ बिग है वन फोर्थ मतलब चौथा हिस्सा है अर्थ का बस इन्हीं इन्हीं का ही एरियाज़ फाइंड आउट करके दोनों का उनकी रेशोज़ अनुपात प्रपोशनेट फाइंड आउट करना है हमने ठीक है जी अब हम एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ सेवंथ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेशो का क्वेश्चन है एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज आपको पता है सरफेस एरिया हो टोटल एरिया हो कुछ भी हो गिवन कुछ भी हो जो स्फीयर्स होता है उसका एक ही एरिया होता है चाहे उसको सरफेस एरियाज़ सरफेस एरियाज़ कह लीजिए चाहे टोटल एरियाज़ कह लीजिए बस वो कह रहा है कि जो मून है वो वन फोर्थ है अर्थ का यानी कि स्मॉल है मून अर्थ बिगर है तो हम किसी भी इसको वेरियस टाइप से इसको फाइंड आउट करने के लिए निकालने के लिए ठीक है चाहे जो उसकी स्टार्टिंग है डी मान लीजिए कैपिटल आर मान लीजिए स्मॉल आर मान लीजिए किसी भी टाइप में मानकर कर सकते हैं ठीक है ठीके? हम कैसे कर रहे हैं इस क्वेश्चन को लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ ठीक है देखिए ये अर्थ है हमारी अर्थ का रेडियस हमने आर माना है ठीक है यहाँ देखिए जी आर अर्थ का अगर अर्थ का रेडियस आर है तो अर्थ का डायमीटर कि, कितना होगा डबल ऑफ द आर यानी कि डबल ऑफ द रेडियस यानी कि टू आर टवाइस ठीक है डायमीटर ऑफ द अर्थ इज टू आर ये तो हुआ डन लेट द रेडियस ऑफ़ द अर्थ कैपिटल आर एंड ठीक है जी लेट द रेडियस ऑफ़ द अर्थ कैपिटल आर एंड इसीलिए सो दैट द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू आर ट्वाइस ऑफ द आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जस्ट ही हमने अर्थ से स्टार्टिंग करा है सपोजिशन so करनी अकॉर्डिंग और कैपिटल लेटर्स में स्पोज कर, कर लिया हमने आप कैसे भी कर सकते हो बट उसी को ओके okay, रखना कि ये मत करना कि स्टार्टिंग में कैपिटल कर लिया फिर नेक्स्ट स्मॉल यूज कर लिया नहीं ठीक है जो स्टार्टिंग में सपोजिशन करके चलोगे उसको वैसी कंटिन्यूशन में रखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह हैं जो मून है वन फोर्थ है अर्थ का बस अब हमने इसी को ही जो रेडियस है देखिए डायमीटर ऑफ द मून वन फोर्थ ऑफ अर्थ डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ क्या माना हमने टू आर तो उसी के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ मून क्या मानेंगे बस इसी को ही इस सपोजिशन करके चलना है इसी का वन फोर्थ ठीक है थीके? वैसे हमने यहाँ लिखा है कि वो मान के चले रहा क्वेश्चन में अर्थ वन है अगर मान के चले वैसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें अर्थ को हम वन मानते हैं तो वो उसका वन फोर्थ है मून ठीक है बट हमने सिम्बोलिकली मानकर चलना है क्योंकि हमने अपना अनुपात रेशो फाइंड आउट करनी है ठीक है जी डायमीटर ऑफ मून और आप ये डिस्टेंस ऐसे रखोगे सब कुछ इकट्ठा मत कर देना पैराग्राफ की फॉर्म में ऐसे लिखना ठीक है ये टू टू लाइन्स पहले टू लाइंस इसकी अर्थ को मान अर्थ की सपोजिशन करी उसके बाद फिर डायमीटर्स का आ गया ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू तो क्वेश्चन ये डायमीटर ऑफ मून रेडियस ऑफ मतलब मून का आ गया सॉरी ठीक है ये मून का ऊपर हमने अर्थ का लिखा तो एक, एक, एक लाइन का गैप दे देना डायमीटर ऑफ मून क्या करेगी जी अर्थ का वन फोर्थ अर्थ का क्या था डायमीटर टू और वन फोर्थ उसको एज इट इज़ यहाँ पुट अप कर दिया जो भी था हमने कुछ नहीं सोचना कि ये टू आर है थ्री आर है पहले इसको बहुत अच्छे से सेट करके लिख देना टू आर ऐसे बिल्कुल आराम से रेडियस ऑफ मून क्या होएगा रेडियस आपको बताया यहाँ वापस नहीं जाना जब हमने डायमीटर ऑफ मून अपने पास लिख लिया इसी का ही ठीक है ध्यान से करना बस क्वेश्चन जस्ट बहुत ध्यान से करना है बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट कई बार स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इसको रेडियस ऑफ द मून निकालने के लिए उन्हें वापिस नहीं जाना याद रखना अर्थ के पास यहाँ नहीं जाना मून का जब हमारे पास डायमीटर है इसी डायमीटर का वन सेकेंड वन हाफ कर देना ठीक है इसी का एज इट इज़ वन फोर्थ इंटू टू आर अपॉन में टू वी ऑल नो अबाउट दैट रेडियस क्या होता है डी अपॉन टू यानी कि डी अपॉन टू यानी कि मून का डी मून का डी क्या है वन फोर्थ टू आर अपॉन टू ये ध्यान से लिखनी है ये वाली जो स्टेटमेंट है बस यही वाली ठीक है बाकी तो सिंपल सी है बाकी में तो कुछ है नहीं अब राजा जब इसको आपको पता है कि ऊपर भी जब वन अपॉन में होती है इस टाइप में नीचे भी होती है इसको अब हम किस टाइप में करेंगे ठीक है यही वाला फोर नीचे आ जाता है देखिए आप एक स्टेप ज़्यादा लिख लेना बट उसको अपने आप में ये मत सोचना कि यहीं ही काट दें आपस में नहीं ठीक है उसको बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप करते जाना हमारा आंसर बहुत एकदम एग्जैक्ट आएगा इसको आप फिलहाल इसको छुपा लीजिए हमने क्या किया वन फोर्थ यही वाला वन फोर्थ टू आर ठीक है जी मैं आपको दिखाती हूँ देखिए ये और ये छुपा लीजिए आप उस साइड देखिए वन फोर्थ टू आर वन फोर्थ टू आर ठीक है सिंपल इसी को इस स्पोज कर स्पोज ऑफ दैट हमने यहाँ पे सिंपल ही लिखा है फिर उसके बाद यही वाला टू इंटू में चला जाएगा यहाँ पर ये यह वाली चीज़ का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से गलती की मिस्टेक मतलब गलती के चांसेस हो सकते हैं ध्यान रखना ठीक है अब इसको ध्यान से बस टू से टू वन फोर्थ आर ठीक है जी आर को एक साइड इस टाइप में लिख लेना है वन पॉइंट फोर और आर आया ना यहाँ पे यानि कि वन पॉइंट फोर और कैपिटल का आर इस टाइप में आपने लिख लेना है अब हमारे पास ये क्या चीज़ आई है जी रेडियस ऑफ द मून अब हम हमें पता जी हमारे पास अर्थ का भी डायमीटर भी है रेडियस है और मून का भी डायमीटर और रेडियस है हमने क्यों फाइंड आउट करा सब कुछ हमने इसलिए करा कि जो ये फॉर्मूला होता है सफियर का फोर पाई आर स्क्वायर होता है फोर पाई आर स्क्वायर सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ देखो वैसे तो हमें पता है जो समलेस्ट चीज़ होती है मून या समॉलेस्ट है उसको ऊपर ठीक है ये नीचे मतलब डिनोमिनेटर में अर्थ लिखा जाएगा पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी वो स्टार्टिंग भी क्वेश्चन क्वेश्चन में उसने मून से ही करी है ठीक है बाई चांस कभी कहीं ये स्टेटमेंट उल्ट दे रखी है तो हमें पता है जो स्मॉल वाली फिगर होती है हमेशा ऊपर ही आती है सरफेस एरिया ऑफ मून यहाँ पे आराम से फोर पाइर स्क्वायर लिख के आर की वैल्यू यानी कि मून का रेडियस यानी कि मून का रेडियस उठाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे ठीक है जी लेने के लिए सब्सिट्यूट करने के लिए रेडियस रेडियस देखते जाएंगे वन फोरथ आर आराम से बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे होल स्केयर में फिट कर देनी है यानी कि फोर पाई आर स्क्र आर की सब्सटीट्यूट में मतलब हम यहाँ पे तो हम इस आर के बदले सब्सिट्यूट में फिट कर रहे हैं ना ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वन फोर आर स्केयर ये तो हो गया जी मून का क्योंकि आर चाहिए था अर्थ के लिए फिर से अब अर्थ के पास चलते हैं जी अर्थ का क्या चाहिए हमें रेडियस चाहिए ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में हमने अर्थ का रेडियस क्या सपोजिशन करा था कैपिटल आर आपने कुछ नहीं करना ठीक है एज इट इज फिर से माउथ में अपने इमेजिनेशन करते जाना फोर पाई आर स्केर फोर पाई आर स्केर ये वाली वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है ठीक है जी स्मॉल आर के बदले ये वाली जो भी आपने ये नहीं सोचना कैपिटल आर है ये क्या है जो जो भी है बस जस्ट वहाँ से उठानी है ठीक है अर्थ का रेडियस वहाँ से वैल्यूज उठाने यहाँ पुट अप करते नहीं अब बिल्कुल एज इट इज़ आगे नेक्स्ट इसको सॉर्ट आउट करते हैं सॉल्व करते हैं फोर पाई से फोर आई कट गया वन फोर आर और आर ठीक है जी इसको एज इट इज़ अभी थोड़ा थोड़ा काट के हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेते जाएंगे ना जी वन फोर आर का होल केयर टू मतलब होल स्केयर अपोन में आर का होल स्केयर देखिए जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं इसको है ना क्या आएगा जी हमारे पास आर को तो डबल कर देंगे आर स्क्र वन फोर्थ इंटू वन फोर्थ यानी कि वन फोर्थ इंटू वन फोर्थ क्या आएगा जी देखिए इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं वन फोर्थ आर ये हमारे पास है ना अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं क्या आएगा ये इसको इंटू वन फोर्थ ठीक है वन फोर आर इंटू क्योंकि टू टाइम्स है यानी कि क्या आया वन अपॉन फोर फोर जार सिक्सटीन आर ठीक है एक्सपैंड करके सभी को वैसे पता है आपको जस्ट थोड़ा सा जिस सभी के लिए बताया मैंने वैसे तो आपको सभी को भी पता ही होता है कि ठीक है टू टू ज़ा फोर फोर ज़ा हम डबलिंग कर देते हैं ऐसे हमने वन वन का वन फोर फोर ज़ा सिक्सटीन आर का स्क्यर यहाँ पे कर दिया ऐसे ही आर स्क्यर इसका एज इट हो जाएगा आर स्क्र से आर स्क्र कैंसिलेशन होगी कट गया हमारे पास रह के आ गया वन अपॉन सिक्सटीन ओनली वन अपॉन सिक्सटीन यहाँ से भी देखिए उन्होंने जस्ट वन फोर्थ वन फोर्थ जब भी कोई चीज़ होती है परसेंटेज में मान के चल के उन्होंने हमें जो दी है ना वन फोर्थ जैसे हम कहते हैं कि एक रोटी गोल है हमारी ठीक है हम हर चीज़ को सौ परसेंटेज मान के उसका वन फोर्थ बता रहे हैं जैसे ये देखिए वो कह रहे हैं कि ये वन फोर्थ ये वन फोर्थ हुआ ना अपना जैसे रुमाल है हेंकिक है अगर हम फोल्ड करते हैं उसको एक पोर्शन वन फोर्थ माना जाता है जस्ट उसने सौ के अकॉर्डिंग वन फोर्थ दिया था बट रियल में जो हमने अनुपात निकाला है सिक्सटीन गुना मतलब जो हमारा मून है अर्थ से सिक्सटीन गुना स्मॉल है मतलब ठीक है ये वन अपॉन सिक्सटीन अब हम क्या लिखेंगे जी यहाँ पे रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ मून एंड नहीं लिखेंगे मून टू तो अर्थ मून की वन अर्थ की सिक्सटीन और इसको बोलेंगे कैसे जी इस जो इस टाइप में लिखते हैं हम कोई भी आंसर वन इज़ टू वन इज़ टू सिक्सटीन ठीक है इसको इस टाइम में बोलेंगे रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ इज़ वन इज़ टू सिक्सटीन यही हमारा आंसर है और क्वेश्चन नंबर उसका जी ये सेवेंथ क्वेश्चन नंबर का ठीक है होप सो कि आपको अच्छे से समझ लग लगा होगा ये क्वेश्चन ठीक है जी और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन इसको ध्यान से करना है अर्थ हमने एक इसलिए माने थी कि बस जस्ट हम आपको कुछ भी समझाने के लिए कि कोई भी चीज़ एक है उसका वन फोर्थ उन्होंने मून माना है पर हम अपने डिनोमिनेशंस ये लेकर चलेंगे जो हमें आर वगैरह डी ठीक है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे इसी के साथ ही जी हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट होता है जल्दी वापस आते हैं जी आपके साथ फिर से क्वेश्चन नंबर एट्थ के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स